हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हो साइको फॉर यू। तो फ्रेंड्स, आज की हम इस वीडियो में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वह एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड मेरे पास कई फ्रेंड्स के और कई स्टूडेंट्स के कमेंट्स भी आए थे, रिक्वेस्ट भी आई थी कि ये टॉपिक आप ज़रूर करवाएँ। सो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है इम्पोर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स, मींस जो कि साइकोलॉजी में अलग अलग साइकोलॉजिस्ट हुए थे तो उन्होंने अपनी कुछ बुक्स पब्लिश की थी, तो उससे रिलेटेड समटाइम क्वेश्चंस पेपर में आ जाते हैं। ठीक है, तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर में हम उन सम बुक्स की बात करेंगे जो कि साइकोलॉजिस्ट ने अपने टाइम जोन में पब्लिश की थी। तो सबसे पहले साइको में कुछ ऐसे साइकोलॉजिस्ट की बात करेंगे जिन्हें हम लगातार एग्ज़ाम में देखते आ रहे हैं, जैसे कि जीन प्याजे हो गया, कोलबर्ग, बिगोस्की, ब्रूनर, फ्राइड, मैस्लो, विलियम जेम्स हो गया, बीएफ स्किनर हो गया, थॉर्नडाइक हो गया एंड मैनी मोर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम साइको के सभी जो साइकोलॉजिस्ट द्वारा पब्लिश की गई बुक्स हैं उसकी बात करेंगे। तो टॉपिक को अच्छे से लिसन करना है तथा याद करना है। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि यदि आप इस टॉपिक के लिए पेपर पेन का यूज़ करेंगे तो इट्स गुड फॉर यू, क्योंकि ऐसा है कि लिखने से टॉपिक आपको अच्छे से याद होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस टॉपिक में कोई समझने वाली बात होगी। जस्ट डिपेंड करता है कि आप कितना याद रख सकते हो टॉपिक को अच्छे से, टॉपिक को लिसन करके। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करते हैं विलियम जेम्स की, जिन्हें की फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी मींस आधुनिक मनोविज्ञानिक का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, इन्हें प्रकार्यवाद संप्रदाय का जनक भी कहा जाता है और आत्म संप्रत्यय की जो अवधारणा थी वो भी इन्होंने ही दी थी, मींस सेल्फ कंसेप्ट की अवधारणा। कार्ल रोजर्स ने भी सेल्फ कंसेप्ट से रिलेटेड अपना टॉपिक दिया था जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन विलियम जेम्स भी माने जाते हैं सेल्फ कंसेप्ट की अवधारणा से रिलेटेड। तो अब हम बात करते हैं उनकी बुक्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, जो भी हम मींस साइकोलॉजिस्ट की बुक्स के बारे में करेंगे तो आपको हर एक बुक का जो कि उसका फ्रंट कवर होता है वो आप अपने डेस्कटॉप पर उसकी पिक्चर्स देख सकते हो। तो जो विलियम जेम्स थे उन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी थी हम उसके बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट बुक है जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, जो कि 1890 में इन्होंने पब्लिश की थी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। तो सेकंड बुक का नाम है द वैराइटीज़ ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस, जो कि 1902 में उन्होंने क्या किया था, मींस इसको पब्लिश किया था। थर्ड बुक का नाम है टॉक्स टू टीचर ऑन साइकोलॉजी, जो कि 1899 में पब्लिश हुई थी। और फोर्थ बुक का नाम है साइकोलॉजी द ब्रीफर कोर्सेज, जो कि 1892 में पब्लिश हुई थी। तो ये थी विलियम जेम्स के द्वारा पब्लिश की हुई बुक। तो पहले मैं आपको बता दूं कि हम इसी तरीके से ये टॉपिक करेंगे जिसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिस्ट की कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे, जो कि लगता है कि पेपर में एक आधा क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ सकता है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट साइकोलॉजिस्ट है उसका नाम है जीन प्याजे, जिन्हें आप अच्छे तरीके से जानते हो। ठीक है, क्योंकि जितने भी बार मीन्स जो भी एग्ज़ाम है टीचर से रिलेटेड, ठीक है, तो उसमें ये जीन प्याजे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जीन प्याजे ने जो थ्योरी दी थी उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो जीन प्याजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी, तो इन्हें ये साइकोलॉजिस्ट और एपिस्टेमोलॉजिस्ट भी थे, साइकोलॉजिस्ट और एपिस्टेमोलॉजिस्ट, ठीक है, और ये कॉग्निटिविज्म भी थे। तो इन्होंने कौन कौन सी बुक पब्लिश की थी उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट बुक है उसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंसी, जो कि 1947 में इन्होंने पब्लिश की थी। सेकंड बुक का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड, जो कि 1966 में इन्होंने पब्लिश की थी। थर्ड बुक है द ओरिजिन ऑफ इंटेलिजेंसी इन चिल्ड्रन, 1936 में आई थी यह बुक।
आगे नेक्स्ट बुक है द मॉरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, 1932 में ये पब्लिश हुई थी। तो मॉरल जजमेंट मींस मोरालिटी से रिलेटेड भी इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया था, जो कि हमने जिसमें हमने एनोमी, हेटरोनोमी, ऑटोनोमी तीन स्टेजेस की थी। तो ये जो थ्योरी है ये इसी बुक से मींस इसी बुक से ली गई थी यह थ्योरी, द मॉरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। आगे नेक्स्ट बुक है द चाइल्ड कंसेप्शंस ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। आगे उसके बाद जो नेक्स्ट है सक्सेस एंड अंडरस्टैंडिंग, जो कि 1974 में आई थी। तो ये कुछ बुक्स थी जो कि इम्पोर्टेंट है, जो आपने याद रखनी है। फर्स्ट थी द साइकोलॉजी ऑफ द इंटेलिजेंसी, सेकंड है द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड, थर्ड द ओरिजिन ऑफ द इंटेलिजेंसी इन चिल्ड्रन, फोर्थ है द मॉरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, फिफ्थ है द चाइल्ड कंसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड, एंड लास्ट बुक है सक्सेस एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो आगे हमारे पास जो नेक्स्ट साइकोलॉजिस्ट हैं वो है लैब विगोत्स्की। तो विगोत्स्की जिन्होंने सोशल कल्चरल थ्योरी दी थी, जो कि और ZPD का कंसेप्ट भी इन्होंने दिया था, ठीक है। तो इन्हें कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में भी इन्होंने डिस्कस किया था। तो इन्होंने कौन कौन सी बुक पब्लिश की थी, तो इनकी फर्स्ट बुक है थॉट एंड लैंग्वेज। तो इन्होंने विचारों और भाषा के बारे में बताया था, ये आपको पता है। जब हमने थ्योरी की थी इसकी, लैब विगोत्स्की थी, तो सबसे पहले हमने लैंग्वेज के बारे में ही डिस्कस किया था। तो थॉट एंड लैंग्वेज जो कि बुक का नाम है, 1962 में इन्होंने अपनी यह बुक पब्लिश की थी। आगे सेकेंड है माइंड इन सोसाइटी, 1978 में यह बुक आई थी। द आगे नेक्स्ट बुक है द साइकोलॉजी ऑफ आर्ट, जो कि 1971 में आई थी। एंड आगे लास्ट बुक है द प्रॉब्लम एंड द अप्रोच, ठीक है। तो ये कुछ इनकी बुक्स हैं जो कि हमने इसमें चार ही बुक्स पढ़ी हैं, थॉट एंड लैंग्वेज, सेकंड माइंड इन सोसाइटी, थर्ड द साइकोलॉजी ऑफ आर्ट, एंड द लास्ट इज़ द प्रॉब्लम एंड द अप्रोच, ठीक है। तो ये चारों बुक्स हैं जो कि लैब विगोत्स्की ने पब्लिश की थी। तो इम्पोर्टेंट बुक है, ये आपको याद रखनी है। आगे हमारे पास जो नेक्स्ट साइकोलॉजिस्ट आते हैं वो है जीरम ब्रूनर, ठीक है। तो जीरम ब्रूनर जिन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी, जिसमें उन्होंने इनएक्टिव रिप्रेजेंटेटिव स्टेज, आइकॉनिक रिप्रेजेंटेटिव स्टेज और सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेटिव स्टेज के बारे में हमने पढ़ा था इस थ्योरी में। तो ये थ्योरी हमने ऑलरेडी कर ली है। तो इन्होंने कौन कौन सी बुक्स प्रोवाइड की थी इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट बुक है द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, जो कि 1960 में इन्होंने यह बुक पब्लिश की थी। सेकंड है बुक द कल्चर ऑफ एजुकेशन, फर्स्ट थी द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, सेकंड है द कल्चर ऑफ एजुकेशन। थर्ड बुक है, और जो सेकंड बुक थी वो 1966 में पब्लिश हुई थी। थर्ड है चाइल्ड्स टॉप लर्निंग टू यूज़ लैंग्वेज, जो कि 1983 में आई थी। यह बुक का नाम है चाइल्ड्स टॉप लर्निंग टू यूज़ लैंग्वेज, ठीक है, 1983 में। आगे नेक्स्ट बुक है द स्टडी ऑफ थिंकिंग, 1956 में यह बुक आई थी, द स्टडी ऑफ थिंकिंग। आगे जो लास्ट बुक उसका नाम है इन सर्च ऑफ पैडागोजी, जो कि 2006 में यह बुक पब्लिश हुई थी, ठीक है। तो ये जीरम ब्रूनर ने जो बुक्स दी थी, इसको थोड़ा सा दोबारा से डिस्कस कर लें। फर्स्ट बुक थी द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, सेकेंड बुक थी द कल्चर ऑफ एजुकेशन, थर्ड बुक थी चाइल्ड स्टॉप लर्निंग टू यूज़ लैंग्वेज, और फोर्थ थी द स्टडी ऑफ थिंकिंग, एंड लास्ट बुक थी द सर्च ऑफ पैडागोजी, ठीक है। तो ये जीरम ब्रूनर के द्वारा दी गई बुक्स है। आगे जो हमारे पास नेक्स्ट आते हैं लॉरेंस कोलबर्ग। तो लॉरेंस कोलबर्ग जिन्होंने मोरालिटी रिलेटेड मीन्स कैसे बच्चे में नैतिकता आती है उसके बारे में इन्होंने अपना मीन्स उस पर अपना वर्क किया था, ठीक है। तो उन्होंने मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी, ठीक है। तो उन्होंने कौन कौन सी बुक डिस्कस की थी, हम उसके बारे में देख लेते हैं। तो इसमें जो कि फर्स्ट बुक है जो कि लॉरेंस कोलबर्ग ने दी थी, तो उसमें से इसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, जो कि 1981 में पब्लिश की थी। और सेकंड बुक थी द फिलॉसफी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, तो यह भी बुक 1981 में पब्लिश हुई थी। आगे जो थर्ड बुक है, इसके दो पार्ट थे, तो इसका नाम है द मेजरमेंट ऑफ मॉरल जजमेंट, द मेजरमेंट ऑफ मॉरल जजमेंट। तो इसके दो पार्ट थे, पार्ट वन और पार्ट टू। तो ये दोनों बुक्स भी 1987 में, यह दोनों बुक्स 1987 में आई थी, ठीक है। आगे नेक्स्ट बुक है चाइल्ड साइकोलॉजी एंड चाइल्डहुड एजुकेशन, तो यह बुक्स भी 1987 में पब्लिश हुई थी। और आगे जो लास्ट बुक है हमारे पास, तो वो कौन सी है, उसका नाम है
द मीनिंग एंड मेजरमेंट ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, द मीनिंग एंड मेजरमेंट ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। तो इसमें देखिए कि जो कि यह बुक्स हमने अभी अभी की है लॉरेंस कॉलबर्ग की, तो लॉरेंस कॉलबर्ग ने मोरालिटी से रिलेटेड अपना कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। तो बुक्स में भी ज़्यादातर हमें कौन सा वर्ड मिल रहा है, मॉरल वर्ड मिल रहा है। जैसे कि हम दोबारा देख लेते हैं कि फर्स्ट बुक में किया द साइकोलॉजी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, सेकंड में किया द फिलॉसफी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, थर्ड में किया द मेजरमेंट ऑफ मॉरल जजमेंट, फोर्थ में चाइल्ड साइकोलॉजी एंड चाइल्डहुड एजुकेशन, और जो हमने लास्ट किया था द मीनिंग ऑफ द मेजरमेंट ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। तो लगभग जितनी भी बुक हमने की है एक को छोड़ के, तो उसमें सभी में मॉरल वर्ड आया है, तो इससे आपको याद रह जाएगा। तो मॉरल से रिलेटेड ज़्यादातर आप याद रखोगे मोरालिटी से रिलेटेड लॉरेंस कॉलबर्ग। आगे हमारे पास जो नेक्स्ट साइकोलॉजिस्ट हैं वो है आईपी पैब्लो, जिन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी थी और डॉग पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था, आप अच्छे से जानते हो, ठीक है। तो उन्होंने उनकी बुक्स के बारे में थोड़ा सा देख लें। तो इसमें हमारे पास जो इनकी फर्स्ट बुक है वो है कंडीशनिंग रिफ्लेक्सेस। अब क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी थी, तो देखो थ्योरी का नाम भी कंडीशनिंग है और बुक का नाम भी कंडीशनिंग रिफ्लेक्सेस, ठीक है। 1987 में यह बुक उन्होंने पब्लिश की थी। आगे जो सेकंड बुक है वो है कंडीशनिंग रिफ्लेक्सेस एंड साइकोलॉजी, ठीक है। तो इसके भी दो पार्ट थे, पार्ट वन और पार्ट टू। आगे जो तीसरी बुक है इसकी, उसका नाम है द वर्क ऑन डाइजेस्टिव ग्लैंड, जो कि 1897 में मीन्स इस बुक को पब्लिश किया था। तो इसी में यह थ्योरी उठाई गई है जो कि डॉग पर एक्सपेरिमेंट किया था, तो मीन्स डॉग पर जो कि उनकी डाइजेस्टिव ग्लैंड थी उस पर ऑपरेशन किया था इन्होंने, आईपी पैब्लो ने, और उनकी मीन्स जो भी सलाइबा होता था उसको इकट्ठा किया जाता था। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आईपी पैब्लो की ये तीनों बुक्स हैं जो कि आपको याद रखनी है, कंडीशनिंग रिफ्लेक्सेस, सेकंड है कंडीशनिंग रिफ्लेक्सेस एंड साइकोलॉजी, और थर्ड है द वर्क ऑन डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है। तो ये आईपी पैब्लो ने तीनों बुक्स मींस प्रोवाइड की थी। आगे नेक्स्ट है हमारे पास साइकोलॉजिस्ट जिसका नाम है बीएफ स्किनर, ठीक है। तो बीएफ स्किनर ने कौन कौन सी बुक प्रोवाइड की थी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बीएफ स्किनर ने कौन सी थ्योरी दी थी ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी थी, ऑपरेंट कंडीशनिंग, जिसमें इन्होंने रेइनफोर्समेंट वर्ड का यूज़ किया था, ठीक है। तो इन्होंने अपना जो कंसेप्ट था वह रैट पर मीन्स जो अपना एक्सपेरिमेंट था वह रैट पर किया था, ठीक है। तो इन्होंने कौन कौन सी बुक पब्लिश की थी, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट बुक का नाम है साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर, तो जो कि 1951 में यह बुक लॉन्च हुई थी। आगे सेकंड बुक का नाम है वर्बल बिहेवियर, जो कि 1957 में आई थी। आगे थर्ड बुक है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो कि 1938 में मींस यह पब्लिश हुई थी। आगे फोर्थ बुक है द टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग, 1968 में यह बुक लॉन्च हुई थी। आगे जो फिफ्थ बुक है उसका नाम है कंटीजेंसीज ऑफ रेनफोर्समेंट, जो कि 1969 में यह बुक आई थी। और आगे इसकी लास्ट बुक है अबाउट बिहेवियरिज्म, 1974 में यह बुक लॉन्च हुई थी। अब देखो इसमें बीएफ स्किनर ने भी बिहेवियर से रिलेटेड अपना कंसेप्ट दिया था, व्यवहारों को जो ये क्या करते थे, मींस व्यवहारों को एनालाइज किया जाता था, उनका विश्लेषण किया जाता था, ठीक है। तो यह व्यवहारवादी थे, बीएफ स्किनर हो गया, आईपी पैब्लो हो गया, जेबी वाटसन हो गया, ठीक है। तो इन्होंने व्यवहारवादी थे, तो इन्होंने मींस व्यवहारों पर ज़्यादा वर्क किया था, व्यवहार को कैसे मींस स्टडी किया था। तो ज़्यादातर हमें बुक्स में बिहेवियर वर्ड देखने को मिल रहा है, तो आप इसे याद रख लोगे बीएफ स्किनर की बुक्स को। जैसे हमने फर्स्ट में किया साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर, सेकंड में किया वर्बल बिहेवियर, थर्ड में किया द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, फोर्थ में द टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग, फिफ्थ में किया था कॉन्टीजेंसी ऑफ रेनफोर्समेंट, तो रेनफोर्समेंट से रिलेटेड इन्होंने अपना मीन्स कंसेप्ट दिया था, ये आपको पता ही है, ठीक है। और जो सिक्स्थ बुक का है उसमें भी वर्ड आता है बिहेवियरिज्म, तो जिसका नाम था अबाउट बिहेवियरिज्म, जो कि 1974 में पब्लिश हुई थी।
तो ये कुछ साइकोलॉजिस्ट थे जिसके मीन्स जिन्होंने कुछ बुक्स पब्लिश की थी जो कि हो सम टाइम क्या होता है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, तो वहाँ पे इस लेक्चर को अच्छे से सुन ले और मीन्स इनको लिख लें और याद करने की कोशिश करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, फॉर सब्सक्राइब सर्च हेयर साइको फॉर यू, क्लिक ऑन द साइको फॉर यू आइकन एंड देन क्लिक ऑन द रेड सब्सक्राइब बटन एंड लास्ट डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बटन ऑफ द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।